तो फिजिक्स में आपका जो है पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब उस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, ठीक है, महत्वपूर्ण जो कि बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, उनको मैं आज बता रहा हूँ। इसके बाद से फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी जो बचे हुए आंकिक प्रश्न होंगे, आप जब कक्षाएं प्रारंभ होंगी स्कूल में तब मैं बता दूंगा। और उससे पहले जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको आप समझ लीजिए। तो इसी आधार पे इस क्रम में जो है आपका जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक वर्ग दिया गया है ए बी सी डी, ठीक। इसके चारों कोनों पर चार आवेश रखे गए हैं, समान आवेश हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए बी सी डी के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस वर्ग का केंद्र निकालिए। तो केंद्र क्या होता है भाई, विकर्ण जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वही क्या होता है, वर्ग का केंद्र हो जाएगा। तो विकर्ण यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, मान लेते हैं वो केंद्र O है, ठीक। अब इसी बिंदु O पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो भाई देख लीजिए, यहां से सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन कारणों से यहाँ पे उत्पन्न होगी। देखिए यहाँ पे प्लस ए, ये ए पर जो रखा प्लस क्यू आवेश है वो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, बी भी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न करेगा उसके कारण भी तीव्रता होगी, सी भी उत्पन्न करेगा और डी भी उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी क्या दिशा होगी। तो देखिए धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। देखिए इस बिंदु ओ पर इस धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वही होगी भाई, अगर यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश आप रख दे क्यू नॉट, मान लीजिए ऐसा कोई आवेश है तो यहाँ पे धनात्मक आवेश होगा, तो धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा जो होती है वही क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अगर यहाँ पे कोई धनात्मक आवेश होता तो उस पर बल की दिशा किधर होती, इस बिंदु से बाहर की तरफ होती, वही प्रतिकर्षण बल लगता तो प्रतिकर्षण बल क्या होता, यहां से बाहर की तरफ। ये अगर यहाँ पे एक धनात्मक आवेश होता तो उस पर बल की दिशा ये होती, तो इसका मतलब इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये तो ई के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ऐसे ही बी के कारण देख लीजिए भाई, बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस आवेश से बाहर की तरफ, ये देखिए इस बिंदु पर आवेश से दूर की तरफ, तो आवेश से दूर की तरफ मतलब इधर, ये हो गया ई बी, ठीक है। हाँ ये जो है वर्ग की प्रत्येक भुजा ए मीटर दी गई है, इसकी प्रत्येक भुजा जो है ए मीटर है, ठीक। तो यहां से देखिए अब सी के कारण देखिए, सी पर जो आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी भाई, ये इधर की तरफ होगी, ई सी हो जाएगी। और डी पर जो आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये क्या हो जाएगा, ये ई डी हो जाएगा। ये तो हो गई दिशाएं, अब इनके परिमाण ज्ञात कर लीजिए। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए भाई आपको ए से ओ तक की दूरी पता होनी चाहिए, बी से ओ तक की दूरी, सी से ओ तक की दूरी और यहां से यहां तक की। अब भुजा आपको पता है तो आपको ये निकालना है विकर्ण का आधा भाग, ठीक। तो सबसे पहले आप विकर्ण निकाल लीजिए, तो वर्ग का विकर्ण जो है आपका ए सी और बराबर बी डी, दोनों विकर्ण बराबर होते किसके हो जाएंगे भाई, भुजा रूट टू के होते हैं, ये हो जाएंगे ए रूट टू मीटर। तो यहां से देखिए ये ओ ए कितना हो जाएगा, ओ सी कितना हो जाएगा, ये विकर्ण का आधा हो जाएगा भाई, एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसे ये भी इसका पूरे विकर्ण का आधा हो जाएगा ये भी। तो ये देखिए ये दूरियां जो है ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां से देखिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये बराबर किसके हो जाएगा भाई, इसका आधा, तो ए रूट टू डिवाइडेड बाई टू, तो ये हो जाएगा ए बाई रूट टू मीटर यहां से। तो ईए निकाल लीजिए, ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ईए बराबर क्या हो गया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, मान लीजिए ये जिस माध्यम में ये निकाय है यहां पर उसका परावैद्युतांक के है, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है भाई देखिए ए बाई रूट टू का स्क्वायर,
तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रूट टू का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 πε0k 2a sorry 2q/a² यही हो जाएगा। देखिए रूट टू का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर। यहां पे देखिए ईबी कितना आएगा, ईबी अगर आप निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा, देखिए क्योंकि आवेश समान है और ओए बराबर ओबी के है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यही आएगी, तो ईए बराबर किसके हो जाएगा, ईबी के हो जाएगा, ठीक है। और जो ईए ईबी देखिए सबके लिए आवेश और दूरी समान है और ये सब तो नियत होते ही है, आवेश और दूरी अगर सबके लिए समान है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी प्रत्येक आवेश के कारण क्या होगी, बिंदु ओ पर समान होगी, तो ये बराबर ईसी के भी होगा और ये बराबर ईडी के भी होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से इन चारों के परिमाण क्या है, समान है, परिमाण समान है। अब ये देखना है इनका जो परिणामी होगा, भाई इन चारों का जो यहाँ पे परिणामी होगा वो क्या होगा, इनके सदिश योग के बराबर होगा, तो इनके सदिश योग के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले आप इन दोनों का परिणामी निकाल लीजिए, आसानी से निकल आएगा। देखिए ईए और ईसी के परिमाण क्या है, बराबर है और विपरीत दिशा में है, अतः इनका परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। तो आप लिखिएगा क्योंकि ईए और ईसी के परिमाण या मान समान है तथा दिशाएं विपरीत है, अतः ईए और ईसी का ईसी की परिणामी तीव्रता ईवन बराबर क्या हो जाएगा, भाई ये दोनों बराबर है और विपरीत है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही फिर आपको लिखना है, चूंकि ईबी और ईडी के परिमाण समान है तथा दिशाएं विपरीत है, अतः ईबी और ईडी की परिणामी तीव्रता ई टू बराबर क्या हो जाएगी, जीरो। अब देखिए इन दोनों की परिणामी तीव्रता जीरो, इन दोनों की परिणामी तीव्रता जीरो, तो बिंदु ओ पर नेट तीव्रता या परिणामी तीव्रता क्या होगी, भाई जीरो होगी। भाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ओ पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो आप लिखेंगे अतः बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता बराबर क्या हो जाएगी, शून्य। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझ लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा, ठीक। बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न है ये आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे परिवर्तन ये किया गया है कि ये दोनों आवेश तो धनात्मक हैं लेकिन ये दोनों आवेश अब ऋणात्मक हो गए हैं, ठीक है। मतलब B पर माइनस क्यू हो गया, C पे माइनस क्यू हो गया, A पर प्लस क्यू ही है और D पर भी प्लस क्यू है। अब आपको इस वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप देखिए भाई, तो सबसे पहले आप केंद्र ज्ञात कर लीजिए इसका, तो विकर्णों को मिला दीजिए, जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे वो हो जाएगा केंद्र, ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दिशा सबसे पहले आप देख लीजिए, इन आवेशों के कारण बिंदु ओ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उनकी दिशाएं क्या होंगी, ठीक है। तो ए के कारण दिशा क्या होगी, भाई धनात्मक आवेश है, इसके कारण जो बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, ओ से बाहर की तरफ होगी, ये देखिए इस दिशा में होगी, ये ईए है, ए के कारण वैद्युत क्षेत्र। अच्छा सी के कारण देखिए, सी पर जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस दिशा में होगी, देखिए बिंदु ओ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा माइनस क्यू आवेश के कारण वो किस दिशा में होगा, बिंदु ओ से आवेश के भीतर की तरफ होता है ना भाई, माइनस आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो भीतर की तरफ आती हैं आवेश के,
इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र भीतर की तरफ होता है। तो यहाँ पे जो सी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ईसी, वो देखिए ओ से भीतर की तरफ, आवेश के भीतर की तरफ, मतलब सी की तरफ। बात समझ में आई? ऐसे ही आप देखिए डी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, डी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपको देखना है। तो डी यहाँ पे देखिए ये धनात्मक आवेश है डी पर, तो डी पर रखे हुए धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो जाएगी, ई डी। ये देखिए बिंदु ओ पर इस आवेश से बाहर की तरफ, और बी पर रखे आवेश के कारण जो माइनस की वो आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ओ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ओ से आवेश के भीतर की तरफ होगी। देखिए ये जो ईडी की दिशा, ईबी की दिशा होगी वो माइनस आवेश के भीतर की तरफ होगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहां पे आपने दिशाएं देखी, देखिए अब दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो रही। देखिए यहां पे ई और ईसी पहले विपरीत थी तो घट गई थी, यहां पे बिल्कुल एक ही दिशा में है तो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ई और ईसी जुड़ जाएंगी, ईडी और ईबी जुड़ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो सबसे पहले आप सबके मान निकाल लीजिए। तो देखिए आपने यहाँ पे जो निकाला था OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये A बाई रूट टू होगा, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में आप निकाल चुके थे, कैसे निकाले थे वो हमने आपको बताया था। अब आप देखिए EA निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आवेश के परिमाण तो समान है लेकिन इनकी प्रकृति जो है अलग अलग है, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका परिमाण तो चारों आवेशों के कारण समान होगा। भाई देखिए आवेश के परिमाण समान है, दूरियां भी समान है उसे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समान होगी, बस परिवर्तन किसमें होगा, जहां पे धनात्मक आवेश होगा वहां पे जो तीव्रता होगी वो बिंदु से बाहर की तरफ होगी, आवेश से दूर की तरफ, और ऋणात्मक आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो उस आवेश के भीतर की तरफ होगी, मतलब आवेश की तरफ उसकी दिशा होगी, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पे EA EB EC इन सबके परिमाण समान होंगे, तो आप लिख लेना चूंकि वर्ग के चारों कोनों पर आवेश के परिमाण समान है तथा चारों कोनों की या चारों शीर्षों की बिंदु O से दूरियां भी समान है, अतः चारों आवेशों के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के परिमाण समान होंगे, ठीक है, परिमाण समान होंगे, दिशा समान होगी ये नहीं होगी वो आप बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले ईए निकाल लीजिए, यहाँ पे अलग अलग ही निकाल लीजिए। ईए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 ठीक, क्यू अपान ए बाई रूट टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 के यहाँ पे कर लीजिए, वो माध्यम का परावैद्युतांक के यहाँ पे पहले से दिया गया 2q/a². देखिए a के कारण जो तीव्रता है इसकी दिशा क्या होगी, देखिए a के कारण तीव्रता की दिशा क्या है, o से c की तरफ है ना, तो आप लिखेंगे o से c। बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे ही e के कारण हो गया c के कारण, देखिए और c ec ec क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, ये भी यही हो जाएगा, देखिए 2q/a² इसकी दिशा देखिए क्या हो जाएगी, ईसी की दिशा क्या है, ओ से सी की तरफ है, तो ओ से सी की तरफ। बात समझ में आप लिखिएगा फिर, क्योंकि ईए तथा ईसी एक ही दिशा में दिष्ट हैं, अतः ईए तथा ईसी की परिणामी तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगी, भाई देखिए समान दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, है ना, तो EA+EC, तो मार्क दीजिएगा यहां पे, देखिए
मान रखेंगे तो E1 बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2A अपान 2Q अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपान ए स्क्वायर। तो जोड़ लीजिए, देखिए इनको जोड़िए, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए 2Q ये देखिए बराबर है तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4Q अपान ए स्क्वायर। ये आ गया परिणामी EA और EC का, और इनकी दिशा क्या होगी, EA और EC के जो परिणामी आएगा E1 उसकी दिशा क्या होगी, तो E1 की दिशा वही होगी जो EA और EC की दिशा है ना, दोनों इसी दिशा में है, तो E1 की दिशा भी क्या हो जाएगी O से C। ये हो गया इन दोनों का परिणामी, ठीक। अब ऐसे ही आप EB निकाल लीजिएगा तो EB भी यही हो जाएगा, और ऐसे ही ED निकाल लीजिएगा तो ED भी यही हो जाएगा। बात समझ में, बस दिशाएं बदल जाएंगी। यहां पे देखिए ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर किया आपने तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपान ए स्क्वायर, और ये देखिए ये E1 आपने लिख लिया ना, तो E1 यहां पे कर दे रहा हूं, तो देखिए EB की दिशा क्या होगी, EB B पर रखे आवेश के कारण O से B की दिशा में होगी, तो यहां पे लिख लीजिए O से B, और ये ED जो है ED D के कारण जो प्लस आवेश है इसके कारण प्रदूषण की तीव्रता क्या होगी, इस O पर इस आवेश से बाहर की तरफ मतलब O से B की ही दिशा में होगी, तो यहाँ पे O से B। अब फिर आप देखिए, ये देखिए इनके परिमाण जो है बराबर है और दिशाएं क्या है समान है, तो आप ये लिखेंगे क्योंकि EB तथा ED एक ही दिशा में है, अतः EB तथा ED की परिणामी तीव्रता, ठीक है परिणामी तीव्रता, तो E1 ये हो गया, E1 का मान ये देखिए हम यहां से ये हो गया आपका E1, ठीक। और फिर इनकी परिणामी तीव्रता आप मान लीजिएगा E2, तो ED आप लिखेंगे EB प्लस ED, ठीक। इनको जोड़ेंगे, अब मान लीजिए यहां पे E2 हो गया ये और E2 हो गया ये, तो E2 क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए ये भी जुड़ जाएंगे तो 4Q अपान ए स्क्वायर। बात समझ में कि नहीं, ठीक। अब देखिए यहां पे E1 और E2 क्या होंगे, बराबर होंगे ना, ठीक है, तो यहां पे आप ले लीजिएगा अतः E1 बराबर E2, ठीक। E1 और E2 क्या हो गए भाई, बराबर हो गए, लेकिन एक ही दिशा में नहीं है। E1 की दिशा क्या हो गई, अब देख लीजिए E1 की दिशा ये हो गई और E2 की दिशा जो है ये हो गई। बस समझ में आई नहीं, इनके बीच का कोण कितना होगा, तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो आपको पता है ये 90 अंश का कोण है। अब इनका परिणामी आपको निकालना है, E1 और E2 है, इनके बीच का कोण थीटा है, तो आप क्या लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो देखिए E1 और E2 हम लिखा रहने देते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं यहां से, E2 है, तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगाइए, तो देखिए इनका परिणाम आप लिखिएगा E1 या बिंदु O पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, देखिए E बराबर क्या हो जाएगी, इन दोनों का परिणामी, तो इन दोनों का परिणामी आप देखिए अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस 90, ये तो हो जाएगा, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो ये दोनों क्या हो गया 0, ये मान क्या हो जाएगा 0। अब बचेगा क्या, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट E2 स्क्वायर। अब E1 और E2 बराबर है, तो E2 की जगह पे आप क्या कर लीजिए, E1 ही कर लीजिए,
तो यहाँ आप यहाँ पे लिख लीजिए ना, चूंकि E1 बराबर E2, ठीक है। तो यहां से देखिए फिर ये हो जाएगा E बराबर क्या हो गया, यहाँ अंडर रूट 2E1 स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 रूट 2। बात समझ में आई, E1 का मान रख दीजिए ये, तो यहां से ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0k 4q/a² √2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया आपका E√2/πε0k q/a² N·m². बात समझ में है कि नहीं। तो ये हो जाएगी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बिंदु O पर। दिशा क्या होगी देखिए, तो देखिए दोनों बराबर है, परिमाण में बराबर हैं, तो इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी ये जो कोण है उसको प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी, मतलब इनके इनका जो कोण का अर्धक होगा उसकी दिशा में होगी। तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, तो इस दिशा में होगी ये तीव्रता ई ये हो जाएगी। बात समझ में है कि नहीं। तो आप चाहें तो वहां से निकाल लीजिएगा, जो समांतर चतुर्भुज का नियम दिया गया था वहां से जो कोण निकालने के लिए, तो आप लिखेंगे E बराबर ये। अब देखिए दिशा क्या है यहां से, अब देखिए जहां पे दोनों के परिमाण समान होते हैं, दो सदिश अगर समान परिमाण के हैं तो उनका जो परिणामी होगा वो उन दोनों के बीच का जो कोण होगा उसके अर्धक की दिशा में होगा। तो ये देखिए ये 60 पे है, सॉरी 90 पे है, बराबर है दोनों, तो इनका परिणामी किस दिशा में होगा, 45-45 डिग्री के। इसका कहने का मतलब ये देखिए, ये 45 हो गया, ये इस दिशा में होगा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा विकर्ण AC के साथ 45 अंश के कोण पर, या फिर आप लिख सकते हैं विकर्ण BD के साथ 45 अंश के कोण पर, या फिर आप लिख सकते हैं भुजा AB के समांतर, या आप भुजा DC के समांतर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चित्र में आपको ये चित्र आपके पास बना होना चाहिए, आप ये लिख देंगे कि भुजा AB के समांतर, या भुजा DC के समांतर, या विकर्ण AC से 45 अंश के कोण पर, या विकर्ण BD से 45 अंश के कोण पर, दिशा में आप ये चारों लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट ये है कि इसके रेफरेंस में लिख रहे हैं, तो कहीं पे अगर आपको उत्तर में दिशा में आपको ये लग रहा है आपने सही लिखा है, ठीक है, किताब में कहीं पे लिखा गया है कि AB के समांतर लिख दिया गया है, तो भाई ये देखिए सच्चाई है कि ये AB के समांतर भी है, DC के भी समांतर है, ठीक है। ये विकर्ण AB के साथ जो है BD के साथ 45 अंश के कोण पर भी है, और विकर्ण AC के साथ भी 45 अंश के कोण पर है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप लिख देंगे तो वो सही होगा, ठीक है। तो मैं चारों इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे अगर आप किताब में देखें, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। तो इस आधार पे मैं आपको दो प्रश्न जो है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो आप करके हमें दिखा दें। तो वर्ग पे आधारित दो प्रश्न आप कर चुके हैं, ठीक है। अब दो प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ठीक। तो पहला यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न पढ़ लीजिए, वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ABCD वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा A है, ये जिस माध्यम में रखा गया है उसका जो परावैद्युतांक K है, और चारों कोणों पर ऋणात्मक आवेश रखे गया है, ठीक है। जैसे पहला आपने किया था धनात्मक आवेश रखे गए थे, आप चित्र बनाइएगा दर्शाइएगा किस आवेश के कारण दिशा किस दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किस दिशा में होगा, और फिर उन सबका आप परिणामी निकालिएगा केंद्र O पर, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है वो ABCD वर्ग है, A पर जो है -2q का आवेश है, B पर +2q का आवेश है, C पर जो है -q का आवेश है, और D पर +q का आवेश है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन सबके कारण जो है परिणामी तीव्रता निकालेंगे, और उसकी दिशा क्या होगी वो भी आप निकालेंगे, ठीक। निकालने के बाद व्हाट्सएप नंबर सबको पता है, उस पर आप लगा करके मेरे इनबॉक्स में सेंड कीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में नहीं, ठीक। तो ये दोनों आप करिएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर अगले वीडियो में।